Our surgery postings were going on, and our annual medical fest, which includes sports and cultural events, was about to commence in a few weeks. Since I participated in a dance, so रोज सुबह हमारी डांस की प्रैक्टिस होती थी. एंड आफ्टर प्रैक्टिस डिपेंडिंग अपॉन टाइम वी वेंट टू द पोस्टिंग. वैसे फेस्ट आ रहा था तो रोज इतने काम होते थे, सो इट वॉजेंट पॉसिबल एवरी डे फॉर अस टू गो टू द पोस्टिंग्स. लाइक दिस वर द प्री मेडिकल फेस्ट डेज, और उसकी वाइब्स ही अलग होती है. वीकेंड पे कुछ खास क्लासेस होती नहीं है, सो वी यूज टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ आर फ्रेंड्स एट कॉलेज ड्यूरिंग द प्रैक्टिस वीक. हमारे कॉलेज का ईयरली ट्रेंड, विच इज द मोस्ट अवेटेड सिंगिंग ऑडिशन, वॉज अराउंड द कॉर्नर. अच्छा दिया उड़ाई तो खरी पर तेरे हाथों में दे दिया तू ही रे. सिंगिंग ऑडिशंस खत्म होने के एक दो दिन बाद वॉज द एथलेटिक्स डे, एंड एथलेटिक्स डे मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ आवर स्पोर्ट्स वीक, विच इज अबाउट 10 टू 15 डेज लॉन्ग, जिसमें रोज अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होती है, जैसे कि बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस, क्रिकेट, फुटबॉल, थ्रोबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी. साइमल्टेनियसली पढ़ाई भी चल रही थी, एंड क्योंकि हमारी सर्जरी की पोस्टिंग्स थी, वी वर सपोज टू अटेंड अ सूचरिंग वर्कशॉप, एंड हम वर्कशॉप जाने में लेट हो चुके थे, क्योंकि बींग अ न्यू सेकेंड ईयर स्टूडेंट, इट इज ऑब्वियस कि हॉस्पिटल का एक एक कोना हमें नहीं पता होता. वो पुरानी बिल्डिंग तो कब से ही बोल रहे थे. स्पोर्ट्स वीक में एक दिन गर्ल्स के लिए वेटलिफ्टिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था. वैसे हमें आता जाता तो कुछ था नहीं उसमें, तो हम ऐसे ही ट्राई करने चले गए थे कि व्हाट इट लुक्स लाइक. एंड रोज शाम को या रात को ग्राउंड पे मैचेस होते थे, कभी कबड्डी का, कभी वॉलीबॉल का, कभी थ्रो बॉल का. मोस्टली दोपहर में हम प्रैक्टिकल्स अटेंड कर लेते थे, एंड ऑल्सो वी ट्राइड टू अटेंड द लेक्चर्स, बट बींग एन ऑर्गेनाइजिंग बैच द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट वर ऑलवेज टू लो. इन सब के साथ ऑर्गेनाइजिंग बैच थे तो हमें काम तो करना पड़ता था, तो कभी डेकोरेशन का सामान लेने, तो कभी कुछ और सामान लेने हमें रेगुलरली जाना पड़ता था. एंड रोज शाम को हमारे कॉलेज में मिक्स क्रिकेट ऑर्गेनाइज किया जाता था, जिसमें रूल्स भी हमारे खुद के बनाए हुए चलते थे. नाउ स्पोर्ट्स वीक वॉज अबाउट टू एंड, एंड 4-5 दिन बाद हमारा कल्चरल फेस्ट स्टार्ट होने वाला था, तो डांसिंग ऑडिशंस तो होने ही थे. संडे का दिन था, एंड नेक्स्ट डे कल्चरल वीक का फर्स्ट डे था, तो ट्री प्लांटेशन के लिए हम ट्रीज लेने गए थे. एंड संडे था तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिल ही नहीं रही थी, बहुत सारी चीज़ें ढूंढने में बहुत टाइम निकल गया था. एंड एक दिन पहले काम भी बहुत होते हैं, जैसे कि हमें इस साल के लोगों की रंगोली बनानी थी, फोटो बूथ डेकोरेट करना था, फोटोग्राफी वॉल तैयार करनी थी. सब कुछ शाम से शुरू कर दिया था, स्पेशली रंगोली तो 5-6 बजे से शुरू कर दी थी, लेकिन काम ही इतना था कि सब कुछ खत्म होते होते सुबह के 4-4:30 बज गए थे, बट एट दी एंड सब कुछ अच्छे से हो गया था.